Hey, yo, what the fuck? हेलो भाई, बिग फैन। अरे भाई, बिग फैन भाई, कभी सोचा नहीं था आप सामने खड़ा हूँ। अरे भाई रो मत यार, रो मत मेरे भाई। खन्ना साहब मत रो, गांड दे दो। रुको, पकड़ मारो, जो पकड़ बहुत सॉरी, पकड़ ले पहन के लौड़े, रुक तेरी पहन ले मादर। हेलो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं अलग टाइप का वॉइस ओवर करने वाला हूँ और थोड़ी सी एडिटिंग भी अलग टाइप की होगी, तो थोड़ा सा गाइज एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा नया ट्राई कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद जो है वो इस बंदे को मानना है। शिवा वाईटी भी आ चुके हैं हमारे साथ, इनको भी लेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं बीच बीच में वॉइस ओवर कम करूँगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जगहों पर करूँगा और एडिटिंग भी थोड़ा सा अलग है, तो एडजस्ट करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा पार्ट जो है सबसे बेटर लगा। फिलहाल डायरेक्टली नीचे उतरते हैं, अभी क्या इंट्रोडक्शन। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। अबे लैट्रिन में गिरे हुए गाढ़े शैंपू, मार बहुत सड़ी जल्दी मार। शाबाश मेरे शेर। ऐसी जगहों पे मेरा टीममेट यार बहुत अच्छे से काम आ जाता है। खैर मैंने टेलीपोर्ट यहाँ पे यूज किया, सोचा कि पहले रुक जाओ, थोड़े से नेट वेट उठा के अब जाता हूँ। रुक, तेरी गांड में कुतुब मीनार डालता हूं देख। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बाल बाल बच गया रे देवा। अभी यहाँ से नीचे कुछ बंदे हैं, अभी देखो इनको कैसे निपटाते गाइस। एकदम कैसे घूम रहे, देखो जरा नीचे लेना एक बार। एकदम फ्री किल है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है यहाँ पे, अभी देखना क्या दिक्कत होती है, लेकिन हम सेफ हैं यहाँ पे फिलहाल। लो कैच पकड़ो। एक झापड़ में तेरी तकदीर बदल दूंगा। भाई कुछ कुछ बंदे ना बहुत तगड़े भी मिल जाते हैं आपको, जैसे कि ये वाला बंदा, मतलब सीढ़ियाँ तो भाई ओवर पावर्ड है अगर कोई सीढ़ी पे कैंपिंग कर रहा ना, और अगर आप जबरदस्ती जाते हो ना तो कुछ ऐसा वाला हाल हो सकता है आपका। खैर पीला गया एट द एंड बेचारा। भाई यहाँ पे उस बंदे के पास क्लियर एडवांटेज था, ओपन में खड़ा होकर पेल रहा हूँ उस बंदे को, स्टील पर मेरे को मार नहीं पाया, मतलब डिजर्व कर दिया यार इसकी टीम तो, पेल क्या तो रुको इनको ना, ये अनडिजर्विंग टीम है, इसे पूरा फिनिश करूंगा मैं ऊपर जाके ना। मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? अब उसके बाद फ्री के 6 किल तो मेरे को इसी जगह पे मिल जाते हैं। सामने हो रही थी दो टीमों की फाइट, दोनों टीमें लड़ रही थी आपस में, और बेस्ट मौका रहता भाई, दो टीमें लड़ रही हूँ और भी फोर, चार इधर से चार उधर से, बीच में आ जा अपनी गाड़ी लेके, बस वही करा हमने। अब देखो जरा तुम्हारी बहन का अभिजीत के सामने लड़ लो। इतने बॉम्ब मारूंगा कि इस पूरे व्हाइट सर्कल को रेड जोन बना दूंगा। Thank you.
मामूली बात हो गई ये तो एकदम। चल 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 निकल यहाँ से। देखो अगर आप कभी भी इस वाले घर में आते हो ना और इस कंपाउंड के अंदर टीम है भाई, उन्हें पिलना बहुत आसान है। बस आपको सबसे पहले तो एक छत के ऊपर चढ़ जाना है, जैसे कि मैं चढ़ गया। अब बस आपको देखना है कि है बंदे किधर। इनको कोई होश आवाज ही नहीं है भाई, पता नहीं किसके साथ तो ये फाइट करने में लगे हुए हैं। डिजर्व करते हैं ये भी मरना। इनको भी पेलता हूँ बेचारा गाइस, इतना थोड़ा कहाँ है भाई तेरा ध्यान, ये बता बस तू। इसको भी देखो जरा, कोई होश आवाज है, पता नहीं किस पे नीड मार रहे, क्या ही हो रहा। पबजी का श्राउड कहते हैं मोंटी को। देखो अभी एक ऐसी टीम आती है जो मतलब एकदम सुसाइड करने ही आई थी। अब नहीं उस टीम को देखो जरा, आप उस टीम की हरकत देखना और आपको लगेगा कि भाई नहीं ये तो ये जो हरकत है सुसाइडल हरकत है भाई। देखो जरा ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ग्रेनेड डालने रुक जा। अबे कहाँ गया अबे? हिम्मत गैरेज में, गैरेज में। इस भोसड़ी वाले को मालूम है हमसे बच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा। फिर भी भगाया जा रहा है माधव को। मस्ती देखो बहनचोद। तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है रे? Mark the location. तुम्हें हिंदुस्तान की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अरे चलो भाई इसी के साथ 26वां किल भी अपना पूरा हो चुका है। चिकन डिनर के बहुत ज्यादा क्लोज है, अब चलते हैं बाकी बंदों को निपटाने। थोड़ा सा आगे जाके ना यहाँ से हमको अच्छे खासे किल मिलने वाले हैं, थोड़ा सा आगे जाके बस। अब बनाऊंगा इनकी चटनी गाइस सबकी। Marked a location. Marked a location. Hello there. अब बच रहे थे दो बंदे, इनमें से एक था भाई स्क्वाड हाउस में पीछे की साइड, और एक एक का तो चलो आपको पता लग ही जाएगा जब उसके जूत बजेंगे। अब पहले तो इस बंदे को निपटा लेते जरा। अब आ रही है भाई दूसरे बंदे की, अब उसे ढूंढना पड़ेगा भाई, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरी बंदा ना इतना बड़ा सर्कल, एक तो भाई पता नहीं यार कैसे ही ठिल गए इतने सारे बंदे, वो भी इतने बड़े सर्कल, मतलब अभी इतना बड़ा सर्कल है।
हेलो भाई, बिग फैन। अरे भाई, बिग फैन भाई। कभी सोचा नहीं था आपके सामने खड़ा हूँ। अरे भाई रो मत यार, रो मत मेरे भाई। खन्ना साहब मत रो, गांड दे दो। पकड़ बोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी पहन ले मादर।